पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सरकार की ओर से की 12 वियर पर गेट लगवाने की घोषणा यदि सच साबित हुई तो शहर में कुछ वर्षों बाद पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। जल आंदोलन करने वाले राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि पहली बार 27 मई 2014 को बारावियर से भरतपुर और अलवर में विभाजित होने वाले पानी के मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। वहीं इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एक कमेटी के गठन की बात कही है। अब सरकार ने रूपारेल नदी पर बारावियर के पास गेट लगवाने की घोषणा कर दी है ताकि जयसमंद बांध में रूपारेल नदी का पानी आ सके और शहर का भूजल रिचार्ज हो। के लिए जो आवश्यक पानी है उसका मिसयूज दूसरी तरफ हो रहा है। वो पानी बह करके नदियों जो नालों और नलियों में जा रहा है, खानों में जा रहा है, कोई कपड़े उसमें जा रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए उपयोग हो रहा है, वो ना हो करके वो एसटीपी प्लांट के पानी का उपयोग हो न कि। और पेयजल का पानी केवल पीने के काम आए तो निश्चित रूप से अलवर के लिए पानी की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन पेयजल के पानी का जब दुरुपयोग होता है वो निश्चित रूप से हमारे लिए सोचने का प्रश्न है।